आज हम लोग इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स यानी लिख दे टाइप्स ऑफ ओव्यूल एंड इट्स रिलेटेड पॉइंट्स, कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, पहले तो एक जनरल वे में ओव्यूल मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है वो ध्यान रखें ओवरी के अंदर होता है। ओव्यूल को ही मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। ओव्यूल के बाहर दो लेयर होती है जिसको इंट्यूमेंट के नाम से जानते हैं, वो है आउटर इंट्यूमेंट, आउटर इंट्यूमेंट है, और एक दूसरा क्या है, इनर इंट्यूमेंट है। क्या है? इनर इंट्यूमेंट है। और उस ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर जो है वो तीन सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें से दो सिनर्जिड और एक एक सेल के नाम से, और तीन सेल जो पाए जाते हैं वो चलाजल एंड की तरफ पाए जाते हैं, जिसको हम चलाजल एंड की तरफ पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जो एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और बीच में एम्ब्रियो सैक के बीच में जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई होता है, और पोलर न्यूक्लियर, और इसलिए एम्ब्रियो सैक सेवन सेल प्लस एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक जनरली एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। अब आते हैं इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर। एंजियोस्पर्म में जनरली इंट्यूमेंट दो लेयर में पाया जाता है, लेकिन कुछ पौधे में जैसे एरिल, ये थर्ड इंट्यूमेंट है, डेवलप फ्रॉम फनकिल, यानी मायरिस्टिका और एफोडेलस और लीची में जो इन दो इंट्यूमेंट के अलावा तीसरा इंट्यूमेंट डेवलप कर जाता है, कहाँ डेवलप करता है, वो फनकिल से डेवलप कर जाता है। कहाँ से डेवलप कर जाता है, ये है आपका फनकिल, इसी फनकिल से तीसरा जो इंट्यूमेंट डेवलप करता है उसी को क्या कहते हैं, एरिल के नाम से जानते हैं। और किसमें, पिथैकोलोबियम एक प्लांट में, इसमें जो है एरिलोड डेवलप कर जाता है। ये कहाँ डेवलप करता है, डेवलप फ्रॉम टिप ऑफ आउटर इंट्यूमेंट, यानी आउटर इंट्यूमेंट का टिप जो है एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको एरिलोड के नाम से जानते हैं। अब आते हैं आउटर, कभी कभार ऐसा होता है आउटर इंट्यूमेंट फ्लैसी, मतलब गुदेदार भाग में चल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सार्कोटेस्टा के नाम से जानते हैं, जिस और एक मैग्नोलिया में पाया जाता है। अथा अपर कुलम, कभी कभार जो माइक्रोफाइल की तरफ जो है एक बीक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसी को क्या कह देते हैं, अपर कुलम कह देते हैं। और ये किसे पाया जाता है, लेमना में पाया जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल के प्रकार। इंट्यूमेंट के आधार पर, इंट्यूमेंट के आधार पर ओव्यूल तीन प्रकार के होते हैं। यूनिटेगमिक, जिसमें सिंगल इंट्यूमेंट पाया जाता है, जो एंजियोस्पर्म की गैमेटोफाइटिक ग्रुप और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, याद रखेंगे। एग्जांपल, बाइटेगमिक ओव्यूल जो है वो टू लेयर इंट्यूमेंट टू लेयर में पाया जाता है, जो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और कुछ मोनोकार्प में भी पाया जाते हैं। एटेगमिक, जिसमें कोई इंट्यूमेंट ही अर्थात इंट्यूमेंट अब्सेंट होता है, ये ओलैक्स में, लेरोसोमा में और लोरेंथस में पाया जाता है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस, यानी ओव्यूल के अंदर जो न्यूसिलस है उसकी मात्रा या लेयर के आधार पे। टिन न्यूक्लिएट होता है आपका, टिन न्यूक्लिएट ओव्यूल, अर्थात इसमें न्यूसिलस लेस डेवलप होता है, अर्थात क्या होता है, सिंगल लेयर का होता है, जिसका एग्जांपल है गैमेटोफाइटिक ग्रुप आता है इसमें। और क्रेसिकुलेसी में जो पाया जाता है, न्यूसिलस मैसिव होता है। क्या होता है, न्यूसिलस मैसिव, अर्थात न्यूसिलस कई लेयर में होता है, जिस पॉलीपिटेली और मोनोकार्प।